दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि तितलियों में स्वाद महसूस करने की क्षमता उनके पैरों में होती है? क्या आपको ये पता है कि आपके मोबाइल की बैटरी को 6 इंच की हाइट से गिराकर देखिए, बैटरी अगर एक बार उछलता है तो ये ठीक कंडीशन में है, और अगर ज्यादा बार उछलता है तो ये खराब हो चुकी है या खराब होने वाली है। क्या आपको ये पता है कि अगर आपके कपड़े सिकुड़कर छोटे हो गए हैं तो उन्हें गर्म पानी और हेयर कंडीशनर के घोल में 5 मिनट के लिए भिगो दीजिए, कपड़े वापस अपने पुराने साइज पे आ जाएंगे। क्या आपको ये जानकारी है कि भारत में सन 1947 से लेकर के 1950 तक बिना राष्ट्रीय गान के झंडा फहराया जाता था, क्योंकि राष्ट्रीय गीत उस समय बना ही नहीं था, ये सन 1950 में बन करके तैयार हुआ है। क्या आपको ये मालूम है कि दुनिया का सबसे लंबा स्टेशन प्लेटफॉर्म भारत का गोरखपुर जंक्शन है, जो कि 1355.40 मीटर लंबा है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद आपको ना पता हो, तो वीडियो का मजा लेने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, क्या आपको यह मालूम है कि मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल इंडिया के सबसे पुराने और सबसे बिजी रेलवे स्टेशन में से एक है। यहां से लगभग हर रोज 20 लाख पैसेंजर और 1000 ट्रेनें गुजरती हैं। यह रेलवे स्टेशन मई 1888 में बनकर तैयार हुआ था। इसे सन 2004 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल कर लिया गया है। दोस्तों, क्या आपको यह मालूम है कि पंजाब को ही भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि विदेशी हमलावरों को भारत में पहुंचने के लिए सबसे पहले पंजाब में से ही होकर गुजरना पड़ता था। दोस्तों, क्या आपको यह मालूम है कि रामगढ़ किले का मुख्य द्वार यह दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी का प्रवेश द्वार है। इसकी नींव हिमाचल प्रदेश के राजा ने रखी थी। दोस्तों, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि विवेक एक्सप्रेस ट्रेन भारत की सबसे लंबी रूट पर चलने वाली ट्रेन है, जो डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में चलती है और कुल 4,286 किलोमीटर की दूरी 82 घंटे और 30 मिनट में तय करती है। दोस्तों, क्या आपको यह मालूम है कि भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश के एक गांव शिवनगर का नाम जून 2011 में बदलकर snapdeal.com नगर कर दिया गया है, क्योंकि स्नैपडील ने उस गांव में रहने वाले लोगों के लिए 15 हैंडपंप लगाए थे, जिस वजह से गांव के लोगों को पीने के पानी के लिए दूर जाना नहीं पड़ता था। दोस्तों, क्या आपको यह मालूम है कि सन 2015 में ऑस्ट्रिया में खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को एक सेलफोन जैसी चीज मिली थी। यह सेलफोन चमड़े से बनाया गया था। हैरानी की बात यह है कि जब इसकी कार्बन डेंटिंग से जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि यह सेलफोन करीब 1300 साल पुराना है, जबकि सेलफोन्स का आविष्कार तो 80 के दशक में हुआ था। दोस्तों, एस्प्रिन जो कि एक दवा है और हीरोइन जो कि एक नशा है, दोनों की खोज एक ही आदमी ने एक ही साल में की थी। इस आदमी का नाम फ्लेक्स हॉफमैन है और साल था 1897। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि न्यूयॉर्क में एक यू आकार की बिल्डिंग बन रही है जिसका नाम द बिग बैंड है। इस बिल्डिंग के बीच में जो खाली जगह है वह जगह इतनी ज्यादा है कि उसमें से एक प्लेन आसानी से गुजर सकती है। दोस्तों, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि 24 जनवरी 1966 के दिन बॉम्बे से लंदन जाने वाले प्लेन एयर इंडिया 101 का फ्रांस में एक पहाड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस विमान दुर्घटना में भारतीय परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के साथ 106 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि ट्रेन का रंग नीला ही क्यों होता है? दोस्तों, ट्रेन में नीले रंग का मतलब है यह ICF कोच है। इसकी स्पीड 70 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। यह मेल एक्सप्रेस या सुपर फास्ट ट्रेनों में लगाए जाते हैं। सन 1990 से पहले ज्यादातर ट्रेनें रेड कलर की होती थी और इन ट्रेन्स में वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम का यूज किया जाता था, जो कि एक पुरानी टेक्नोलॉजी थी। और इन ट्रेन्स में जब ब्रेक लगाया जाता था तो ट्रेन बहुत ही धीरे रुकती थी। फिर नई टेक्नोलॉजी के साथ एयर ब्रेकिंग सिस्टम को लगाया गया और यह पुराने सिस्टम से बहुत ज्यादा तेजी थी। और फिर धीरे धीरे सभी ट्रेन्स में एयर ब्रेकिंग सिस्टम का यूज किया जाने लगा। लेकिन ट्रेन के एक डिब्बे को देखकर यह पता नहीं लगाया जा सकता था कि इसमें कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम है, इसलिए नए बनने वाली सभी ट्रेन जिसमें एयर ब्रेकिंग सिस्टम है उनका रंग नीला कर दिया गया। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो में एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, जय भारत।